सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, उड़ती धूल और खराब फवारे अब नहीं, रात में उड़े 250 ड्रोन। पांच सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव को लेकर सीईए चीफ मधुसूदन मिस्त्री को लिखा लेटर, कहा वोटर लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने किया लश्कर के टेरर मॉड्यूल के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में गणपति को विसर्जित किया गया, कोरोना के 2 साल बाद गणेश उत्सव में दिखा जोश। खतरे में सीएम सोरेन के भाई की विधायकी, चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी अपनी राय, सबकी निगाह राजभवन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पावन 135वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और सीएम ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही सीएम ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की कर्मठा, राष्ट्रीय निष्ठा व संगठन क्षमता हम सभी के लिए अपरिमित प्रेरणा है। एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उनकी कर्मठता, उनकी राष्ट्रनिष्ठा और उनकी संगठन क्षमता को ध्यान में रख करके उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के वे पहले मुख्यमंत्री हुए। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी दौरे पर पहुंचे, जानकारी के मुताबिक सीएम योगी स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मुलाकात कर स्वर्गीय अरविंद गिरी के हर संभव कार्य को पूरा किया जाए। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह ने सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास होर्डिंग लगवाई है। बता दें कि होर्डिंग पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ लिखा है यूपी प्लस बिहार में मोदी की सरकार गई। इस वजह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर यह होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ रहे हैं। विभांशु, लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह ने जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास जो होर्डिंग लगवाई है उसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी और सामने आ रही है? जी नंदी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में अब विपक्ष से जुट गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली गए थे जहां 10 नेताओं से मिले और बीते 6 सितंबर को वो समाजवादी सुप्रीमो और संरक्षक मुलायम सिंह से मेदांता अस्पताल में उनका उनसे मिले और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित हाल को जाना। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे।
तो वहीं आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जो कि सुर्खियों में है। और देखा जाए तो उस पोस्टर पे साफ तौर पे ये लिखा है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और साथ ही ये पोस्टर सपा के प्रवक्ता आईपी सिंह की तरफ से लगाई गई है। तो अब कहीं ना कहीं अटकलें 2024 की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो बिहार के मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ वो अभी विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जहां लगातार वो नेताओं से संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि नीतीश कुमार बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी से मुलाकात किए। वहीं आपको बताएं कि एचडी रोगवा चाहे कुमार स्वामी, चाहे बात की जाए सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, चाहे बात की जाए सीपीआई के महासचिव डी राजा। वहीं और आपने देखा कि 6 सितंबर को मुलायम सिंह से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। और अखिलेश जी, विभांशु, क्या लग रहा है कि ये मुलाकात 2024 के लिए क्या नया परिणाम लेकर आएगी? ये महागठबंधन की पुष्टि हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कहना साफ नहीं होगा कि पुष्टि हुई है, मगर नीतीश कुमार की अगुवाई में जो कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन के एक अहम सिपाही थे, उनकी अगुवाई में वो देश के विभिन्न नेताओं से मिले, दर्जनों नेताओं से मिलकर, और अभी से मोदी सरकार को 2024 को लेकर रोडमैप बनाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जहां सभी विपक्षी दल अभी 2024 के चुनाव में जुटे हुए हैं, तो नीतीश कुमार और जेपी आंदोलन से निकले एक नेता हैं, और हाल ही में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर और लालू यादव की पार्टी के साथ है वो जाकर अपनी नई सरकार का गठन किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में 2024 में मोदी सरकार को घेरने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि 2024 में प्रधानमंत्री चेहरे के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि जो तमाम विपक्ष का दल है अभी मैं उन्हें एकजुट कर रहा हूं, और सरकार जो महंगाई है, साथ ही साथ बेरोजगारी है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट होगा तो हम 2024 में जरूर मोदी सरकार को शिकस्त दे सकेंगे। वहीं नंदनी आपको बता दें कि राहुल गांधी के आज भारत जोड़ो जो यात्रा है उसका चौथा दिन है, लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली गई है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें वो कहीं ना कहीं जो साउथ के स्टेट्स है और इन सबको छू रहे हैं, साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम है उसका जो रोडमैप है पश्चिम होते हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित हैं वो अटकले लगा रहे हैं कि यूपी में और बिहार में नीतीश कुमार और अखिलेश कुमार की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर महागठबंधन बनता है, मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया, अभी नेताओं से मुलाकात की प्रक्रिया है और राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नंदनी तो आने वाले समय में इसकी घोषणा होगी, मगर अभी अटकलें ये लगाई जा रही है कि विभांशु क्या लग रहा है कि 2024 बनर्जी को भी प्रधानमंत्री विभांशु क्या लग रहा है कि 2024 के महागठबंधन में यही दो मुख्य चेहरे रहेंगे क्या, नीतीश और अखिलेश? तो नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मिले हैं, अरविंद केजरीवाल से मिले हैं, शरद पवार से मिले हैं, सीताराम येचुरी से मिले हैं, डी राजा से मिला है, पनीर सिल्वम से मिले हैं, और आपके ऐसे चिन्ना स्वामी से मिले हैं, कई सारे नेता साउथ से लेकर चाहे बात की जाए देश के हर एक कोने के जो नेता है, चाहे बात की जाए झारखंड में हेमंत सोरेन से लेकर सभी नेताओं से संवाद बना रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्या इस बार तीन फ्रंट में चुनाव लड़ा जाएगा, तो विपक्ष बनाम मोदी सरकार होगा, ये आने वाले समयों में देखने को मिलेगा, मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। और ये कहना सही नहीं होगा कि अखिलेश यादव या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अभी नीतीश कुमार ये एक नई परंपरा के तहत जैसे जयप्रकाश आंदोलन के बाद चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़े विपक्ष के दलों ने, और आपने देखा कि मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थर्ड फ्रंट बनाकर, तो कुछ ऐसी ही तैयारी विपक्ष कर रही है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी चुनाव देखे तो लगभग आपके 600 से 700 दिन बाकी है,
तो आने वाले समय में अभी से विपक्ष लगा हुआ है कि 2024 चुनाव को लेकर अभी से होमवर्क कर रहा है, और आने वाले दिनों में जब राहुल गांधी की यात्रा संपन्न हो जाएगी, जो 3500 किलोमीटर की उनके द्वारा पदयात्रा की जा रही, जिस यात्रा को भारत जोड़ो आंदोलन के यात्रा के तहत गिना जा रहा है, तो नीतीश कुमार अभी से उसका रोडमैप बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब सभी विपक्षी दल, अगर उनके सामंजस्य बनता है तो वो अपने सामंजस्य बनाकर अपने एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। मगर अब तक ना ही ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर कहीं भी कहा जा रहा है, ना ही नीतीश कुमार को, ना ही अखिलेश यादव को, वो आने वाले समय में साफ हो पाएगा। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। प्रयागराज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पे निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार में नौकरशाही और भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2024 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ सत्ता में रहेगी और पार्टी निकाय चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है, चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नज़दीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रही हूँ। खबर औरैया के एरवा कटर से है, जहां 11 दिवसीय गणेश महोत्सव के समापन पर पूजन अर्चना और विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन हो गया, और इस मौके पर गांधी इंटर कॉलेज के सामने स्थापित गणेश प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली और विसर्जन के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। हरदोई में शाहबाद ब्लॉक क्षेत्र के पंचायत प्रमुख द्वारा नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से मानक विहीन सोलर लाइटें लगवाए जाने के मामले पर डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद ब्लॉक मुख्यालय पर हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अधिकारी एसडीओ पिहानी, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर और शलभ गुप्ता, लेखाकार, समाज कल्याण विभाग सहित 4 सदस्यों की एक जाँच टीम बनाकर 15 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं। खबर हरदोई से है, जहां बच्चों के बीच हुए मामूली से विवाद को लेकर जिम्मेदारों में बड़ा विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। रंजीत, उसकी माँ थी, बहन थी और परिवार में थे, मतलब उसके घर में के सब, उन्हीं ने मारा है। झगड़ा हुआ है बच्चों का, इनका दोपहर में हुआ होगा, हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि लड़ाई हुई है किस बात। हमारे नहाने लगे, हमारे तरफ दीवार है, इनकी दीवार पे ये बैठ औरत और इनकी लड़की, हम नहा रहे थे तो ये देख रहे थे हमारे तरफ देख, तो हमने यही काम कही, इधर क्या डंडी नाच रही है, तो इतनी बात पे ऊपर से वो गाली देने लगी। इसकी माँ आई तो माँ ने नीचे गाली देने लगी, लड़का आया, रंजीत आया, तो वो हर तरीके की मतलब मेरे को गाली देने लगा है। मैं थाने में एप्लीकेशन दी है, थाने में दी है, एनसीआर लिखवाई थी। हरदोई में कई दिनों से बच्चा चोरी की घटनाएं अफवाह के रूप में फैल रही है। वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक जीआईएसआई इंटर कॉलेज पहुंचे। वहीं पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों को जागरूक किया। साथ ही एसपी ने कहा कि बच्चा चोर, किडनी चोर और लूट की घटनाओं की जानकारी पुलिस और उच्चाधिकारियों को सूचित करें। कोई भी शख्स ऐसी अफवाहें पर किसी अनजान व्यक्ति की पिटाई न करे। देखिए, न सिर्फ हरदोई बल्कि प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी सूचनाएं आई हैं कि लोगों ने मानसिक विचित्र किसी व्यक्ति को या अनायास किसी निर्दोष व्यक्ति को चोर बता करके, बच्चा चोर बता करके उसको पिटाई कर दी है या पकड़ के बांध दिया है। ये घटना या दो घटना हरदोई में भी हुई है,
जबकि सच्चाई ये है कि कहीं भी कोई ऐसा बच्चा चोर का गिरोह या चोरों का गिरोह नहीं घूम रहा है। हम लोग सजग हैं। इन्हीं अफवाहों को रोकने के लिए हमारे अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर के रात को जो हवाल किया जाता है उनको सजग किया जाता है, ये बताया जाता है कि ऐसी अफवाहों पर ना आए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।